एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम सीखेंगे क्लास फिफ्थ की एक्सरसाइज 3.4। इससे ये एक्सरसाइज बेस्ड है रिलेशनशिप बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स में। तो इस वाली एक्सरसाइज का हम देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 504 एंड देयर एचसीएफ इज 8, फाइंड द एलसीएम ऑफ टू नंबर। तो ये क्वेश्चन हमारी एक फार्मूला बेस्ड पे डिपेंड हैं। तो कौन सा फार्मूला है? हमारा फार्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तब होगा जब हमारे पास फर्स्ट नंबर होगा इनटू सेकंड नंबर होगा। ठीक है, तो इस वाले इस टाइप की एक्सरसाइज में जो भी बेस है तो इसमें हमें तीन वैल्यू दी गई होंगी और हमसे एक वैल्यू फाइंड आउट करवाई होगी। जैसे कि एलसीएम एचसीएफ दिया गया होगा, सेकंड नंबर दिया गया होगा, फर्स्ट नंबर पूछा होगा, या फिर एलसीएम एचसीएफ में से कोई फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया गया होगा, एलसीएम दिया गया होगा तो एचसीएफ की वैल्यू पूछी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 504, तो यानी कि हमें प्रोडक्ट दिया गया है टू नंबर का 504। ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज, तो एचसीएफ हमें वैल्यू दी गई है, एचसीएफ की वैल्यू 8 दी गई है। हमसे पूछा क्या है? एलसीएम ऑफ टू नंबर, तो हमसे पूछा गया है एलसीएम, तो एलसीएम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमारे पास 1, 2, 3 वैल्यू दी गई है, तो हमसे एक वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर दो वैल्यू की कंबाइंड वैल्यू दी गई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 जब यहाँ पर रूल अप्लाई होता है ट्रांसपोज का रूल क्या होता है यहाँ पर समझ लिए। जब भी हमारे पास ऐसे कोई वैल्यू आती है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो जब भी इस नंबर को उठा के इधर साइड में लाते हैं तो ये नंबर इसके डिवाइड में आ जाता है। तो ये हमारा नंबर ऐसा लिख जाएगा a इज इक्वल टू सी इंटू डी अपॉन बी। तो यहाँ पर भी देखिए ऐसी कंडीशन है, ए की यहाँ पे है एलसीएम, बी की यहाँ पे 8 है और यहाँ पर सी इंटू डी किया गया है 504। तो 8 जब इधर उठ आएगा राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसपोज रूल होता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसपोज रूल पे बेस्ड, तो यहाँ पर हम एलसीएम की वैल्यू निकालेंगे, तो एलसीएम की वैल्यू निकालेंगे तो 504 में 8 का डिवाइड हो जाएगा। अब 8 का डिवाइड कर दिए यहाँ पर, तो 8 का डिवाइड आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नॉर्मली हम डिवाइड कर देते हैं, देखिए 8 का 504 में 8 6 48 कैरी 2, 8 3 24, तो हमारे पास कितने टाइम डिवाइड हो गया, हमारा 63 टाइम डिवाइड हो गया। तो हमारा एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 63। तो सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है कि ये फॉर्मूले पे बेस्ड है। कौन से फॉर्मूले पे? एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमारा अगर वैल्यू दी गई है तो हम ये लगा लेंगे फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। ठीक है, बाकी का सेम इस वैल्यू पे है। ठीक है, तो इसे और अच्छी तरह समझने के लिए इसका देखते हैं सेकेंड वन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर सो दैट द देयर प्रोडक्ट इज 2754 एंड देयर एलसीएम इज 162। तो इस टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास सेम फार्मूला है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बस आप ये फार्मूला लर्न कर लीजिए, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमें तीन में से दो की वैल्यू दी गई होगी, तीसरी की वैल्यू पूछी होगी, तो यहाँ पर दिया गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर सो दैट देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट क्या दिया गया है 2754 एंड देयर एलसीएम इज, एलसीएम की वैल्यू दी गई 162 और हमसे एचसीएफ की वैल्यू पूछी है। तो हमारा सेम फार्मूला है, क्या करेंगे इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो जब इक्वल वाला यहाँ पर इक्वल के इधर साइड में आता है यानी कि लेफ्ट से राइट में आएगा तो कहाँ पर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम से एचसीएफ की वैल्यू निकालेंगे 2754 में डिवाइड कर देंगे 162। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 162 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये बड़ा नंबर है तो पहले से क्या करेंगे स्मॉल कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। किस नंबर से डिवाइड होता है, तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होंगे। तो देखिए दोनों को 2 से नंबर से डिवाइड कर देंगे यानी काट देंगे, तो यहाँ पर 2 8 16 एंड 2 1 2। अब यहाँ पर भी डिवाइड कर देंगे इसमें 260 में, 2 1 2 एंड 2 3 6, 2 7 14 एंड कैरी 1 2 7 14। तो कितना टाइम डिवाइड हो गया, ये 1377 और 81 टाइम डिवाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 81 का डिवाइड 1337 में करना है। तो यहाँ पर देखिए 81 का हम देख लेते हैं 7 टाइम्स कितना होता है, 7 1 7 एंड 8 7 56। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, तो अब हम 81 का यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं 1337
77 में 81 का पहले हम कितने देंगे 137 में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 81 टू ज़ा 162 होता है, ये मोर देन होता तो 81 वन ज़ा देखेंगे, 81 वन ज़ा, तो नौ माइनस करेंगे 7 माइनस 1 6, और यहाँ पर क्या 13 8 5 बचा। अब यहाँ पर 56 इज स्मॉलर तो 7 नोट कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 81 7 ज़ा 567 होता है, तो 81 7 ज़ा 567, तो हमारा डिवाइड कितने टाइम हो रहा है, 81 17 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 17, हमारा क्या आ जाएगा LCF हमारा आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अब इसे क्वेश्चंस को हम आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, द LCM एंड LCF ऑफ टू नंबर आर 256 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, ए वन नंबर इज 96 देन फाइंड द अदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया है, टू नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर दिया गया 96 और सेकंड हमसे नंबर पूछा है, तो उस फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है। तो LCM इंटू SCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, LCM into SCF is equal to first number into second number। तो LCM हमें क्या दिया गया, LCM and SCF of two number आर हमें क्या दे रखे, इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया गया, LCM और SCF टू नंबर के हमें दे रखे हैं ये 256 LCM दे रखा है और SCF हमें दे रखा है 6, ठीक है। हमसे पूछा ए वन नंबर इज 96 यानी कि फर्स्ट नंबर दे रखा है 96, तो हमसे पूछा है सेकंड नंबर, दे रखा है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो हम यहाँ पर देखिए सेम ए इंटू बी इजल टू सी इंटू डी वाला फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर ट्रांसपोज नंबर कौन सा हो रहा है, 96 हो रहा है, चाहे इधर से इधर आएगा या फिर इधर से इधर जाएगा, यानी कि लेफ़्ट टू राइट आए या राइट टू लेफ्ट जाए, तो हमारा नंबर डिवाइड होता है अगर मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर देखिए 96 जब हमारे इधर साइड में आएगा तो ये 256 के कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर फाइंड आउट करेंगे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड नंबर इधर लिख सकते हैं और ये नंबर इधर भी लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 256 इंटू 6 और यहाँ पर 96। अब हमें क्या करना है, या तो हम पहले 96 से 96 को डिवाइड कर लें और फिर जो नंबर आएगा उस पर 256 में डिवाइड करें। तो देखिए 2 3 6 एंड 2 4 8 2 8 16, तो 48 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देंगे 256 इंटू 3 और यहाँ पर 48। अब हमारा 48 256 पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 4 2 2 4 2 4 8 और 2 1 2 2 2 4 2 8 16, तो हमारा क्या आया, तो हमारा यहाँ पर आया 128 इंटू 3 इंटू 24, तो यहाँ पर देखिए 24 3 से डिवाइड होगा, 3 1 3 3 24, अब यहाँ हमारा पास नंबर बचा 128 और यहाँ पर 8, अब 8 का डिवाइड कर दिए, 8 1 8 और 4 बचा 8 6 48, तो इस तरह से हमारा 16 टाइम डिवाइड हो गया और हमारा सेकंड नंबर हमारा आ गया, सेकंड नंबर हमारा आ गया 16, ठीक है। तो इस तरह से ये इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 4 सॉल्व करें हैं, तो ये आप ये फिर नोटबुक में नोट करिए और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए मुझसे कमेंट करके, और समझ में आ गया है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया नहीं आया, इस एक्सरसाइज में आप इतने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई एक्सरसाइज के साथ, थैंक यू वेरी मच।